पर्यटन नगरी चायल के साथ लगती जनेट घाट पंचायत में तबलीन होटल ने लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किया है। स्थानीय लोगों ने सरकारी भूमि पर होटल द्वारा किए गए कब्जे को लेकर लोक निर्माण विभाग को अवगत करवाया। सूचना मिलने के बाद विभाग ने होटल द्वारा किए अवैध कब्जे पर लगाए गए लोहे के एंगलों, जालियों व गुमटी को तोड़ दिया, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर से होटल ने इस जगह पर RCC का पक्का डंगा लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार 5 माह पहले जनेट घाट के रहने वाले सुरेश वर्मा ने SDO लोक निर्माण विभाग जुनगा शिमला व एक्सिन शिमला को अवगत करवाया था कि चायल पंचायत के साथ लगती जनेट घाट पंचायत में बन रहे तबलीन होटल द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। सूचना मिलने के बाद SDO लोक निर्माण विभाग जुनगा ने मौके का जायजा व जायजे के दौरान पाया कि होटल द्वारा सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर ही लोहे के एंगलों, जालियों व गुमटी को तोड़ दिया गया। लेकिन अब फिर से होटल ने जिस जगह पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी उस जगह पर RCC का पक्का डंगा लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। स्थानीय निवासी सुरेश वर्मा ने बताया कि होटल द्वारा सरकारी भूमि में अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लोक निर्माण विभाग को अवगत करवा दिया है। अवगत करवाने के बाद विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन अब फिर से होटल द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। सुरेश वर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस मामले में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। मैं सुरेश वर्मा जनेट घाट का स्थायी निवासी हूं और मेरा विषय यह है कि यहां से जनेट घाट से 1 किलोमीटर पर तमलीन नाम से एक होटल बन रहा है जिसका कार्य शुरू अभी भी चला हुआ है। तो मैंने इन्होंने तमलीन रिजॉर्ट वालों ने अवैध कब्जा किया है, PWD की जमीन पे कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। और मैंने इसके विषय में 5 महीने पहला एक्सिन साहब SDO से शिकायत की थी, फ़ोन के माध्यम से की थी। तो उसमें 15 या 20 दिन बाद एक्सिन थोड़ा हुआ था, तो उसमें जो जाली लगाई थी, लोहे के इंग्लैंड लगवाए थे, वो उन्होंने हटाए भी थे। अब जहां लोहे के इंग्लैंड और जाली लगाई थी उसके अब बावजूद उन्होंने अब RCC का पक्का डंगा लगवा दिया है। और फिर भी मैंने उन्हें सूचित किया था PWD विभाग को, अब वो कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं कि भाई इसमें सख्त से सख्त कोई कार्रवाई की जाए। इसमें कोई उच्च अधिकारी भी मिले हुए हैं, हमने इनमें बहुत बार इनको कहा भी है पर ये हमारी नहीं सुन। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।